फिर कैंसिल हुई आईसीसी की मीटिंग, ये हेडलाइन बार बार लगातार अब कानों में गड़ने लगी है और अब मेरा दिमाग भी खराब होने लगा है कि आखिर क्या मसला है भाई, क्यों आईसीसी की मीटिंग लगातार कैंसिल हो रही है, क्यों वर्ल्ड कप पर फैसला नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल 25 जून को ये जो बैठक थी इसे भी कैंसिल कर दिया गया है। आज इस वीडियो में बताऊंगा क्या दिक्कतें थी इस बैठक में, अगली बैठक कब होगी और क्यों इसे कैंसिल किया गया, क्यों माथा फोड़ी हो रही है आईसीसी की बैठक में, सब पर बात करेंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप भी एमसीबी ग्रेड फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पहला रीजन इस बैठक के कैंसिल होने का था जो 25 जून को हुई थी, वो था वर्ल्ड T20। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड T20 पर अंदेशा लग चुका था आईसीसी को कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कैंसिल कराने के लिए बैठा हुआ है और आईसीसी नहीं चाहता है। जी हाँ, क्लियर कट बोल रहा हूं मैं इस बात को, आईसीसी नहीं चाहता है कि वर्ल्ड T20 कैंसिल हो, क्योंकि एक अलग डील उनकी शायद किसी आईसीसी वालों से, ब्रॉडकास्टर से, ब्रांड से हुई पड़ी है। क्योंकि दोस्तों, कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो वर्ल्ड कप में अपना प्रमोशंस करने वाले थे, वो ब्रांड्स आईपीएल में अपना प्रमोशन नहीं करते हैं और यही ब्रांड्स बोल रहे हैं कि वर्ल्ड कप किसी भी तरह से कराया जाए क्योंकि उन्हें नुकसान हो जाएगा। एक तरफ बीसीसीआई बोल रहा है आईपीएल होगा भाई सितंबर अक्टूबर की विंडो में, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साफ कह दिया था कि वो 16 टीमों को सितंबर अक्टूबर नवंबर में अपने देशों में बुलाकर रिस्क नहीं लेना चाहते। यहां पर सब कुछ जब क्लियर हो चुका है तो आईसीसी अब मीटिंग को कैंसिल कर रहा है। अब वो अगले महीने, जो अभी रिपोर्ट आ रही है 7 जुलाई को एक और बैठक करेगा, इस बीच वो शायद और कुछ पर्दे के पीछे से करने की कोशिश करे और उनका मेन मोटिव यही है कि किसी ना किसी तरह से ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाया जाए कि वर्ल्ड कप हो। लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूं दोस्तों, इस मीटिंग को कैंसिल जरूर कर दिया गया है, पर ऑन एंड ऑन जब आप पूरी पिक्चर को देखेंगे आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा दैट आईपीएल ही होगा, वर्ल्ड कप नहीं हो पाएगा। दूसरा बड़ा मसला था दोस्तों इस बैठक का, वो थी दोस्तों आईपीएल की सितंबर अक्टूबर की विंडो। अब आईपीएल वाले बोल रहे हैं कि हम सितंबर अक्टूबर में आईपीएल कराएंगे, वर्ल्ड कप वाले बोल रहे हैं, मतलब आईसीसी बोल रहा है कि भाई इस समय तो वर्ल्ड कप होगा अभी तो, और अब एशिया कप का भी बोल दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ कह दिया है कि सितंबर अक्टूबर में एशिया कप होगा। अब जब सभी लोग उस सितंबर अक्टूबर में सब कुछ कराना चाहते हैं तो एक नया कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, क्योंकि एक तरफ अगर वर्ल्ड कप भी कैंसिल हो जाता है, आईपीएल की बातें भी होने लगती है, देन एशिया कप आ जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलेगा कि भाई हमें अब यहाँ पर एशिया कप कराना है क्योंकि इस साल के एशिया कप की होस्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। तो ये एक नया झमेला क्रिएट हो गया था और दूसरा बड़ा कारण था जिसको लेकर अभी इस मीटिंग में कोई फैसला नहीं लिया गया। तीसरा बड़ा कारण था दोस्तों इस मीटिंग में नहीं फैसला लेने का, वो था दोस्तों कोविड। पाकिस्तान का जो कोविड कांड हुआ है ना, उसके बाद आईसीसी भी 2 कदम पीछे चला गया है। आईसीसी अब बायलैटरल सीरीज को मंजूरी देने में थोड़ा सा रुक रहा है, क्योंकि यही चीज है ना कि अगर मान लीजिए बांग्लादेश के खिलाड़ी न्यूजीलैंड जाते हैं, उनके अच्छे से टेस्टिंग नहीं होती है, वो कोविड पॉजिटिव होते हैं, तो न्यूजीलैंड में फिर से दिक्कतें बढ़ने लगेगी। क्रिकेट के चलते आप दिक्कतें नहीं बढ़ा सकते और इसीलिए इस मीटिंग को कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि नए पैमाने से, नए तरीके से अब गाइडलाइंस तैयार हो सकती हैं कोविड के दौरान क्रिकेट की, जो हुई थी उसमें और ज्यादा सख्ती की जा सकती है। चौथा बड़ा कारण दोस्तों इस बैठक को कैंसिल करने का, इस मीटिंग को कैंसिल करने का था, वो था दोस्तों आईसीसी का प्रेसिडेंट पद, चेयरमैन का पद। जी हाँ दोस्तों, आईसीसी के चेयरमैन के पद पर खींचतानी है। भारत के सौरव गांगुली ने नाम वापस ले लिया है, पाकिस्तान के एहसान मनी ने नाम वापस ले लिया है, इंग्लैंड के जो ये महानुभाव हैं उनका सिलेक्शन होना लगभग तय है, जिनके पास जो भारत है बीसीसीआई उसकी बैकिंग है, तो ये भी एक मसला था। आईसीसी चाहता है कि उनके वाला चेयरमैन बने, इंडिया बीसीसीआई चाहता है कि हमारे वाला चेयरमैन बने, और इसको लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और इसको लेकर मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो पाया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगली बैठक कब होगी। तो दोस्तों हमारे पास रिपोर्ट है 7 जुलाई को अगली बैठक होने वाली है, और इस पर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ लगभग 3 दिन पहले कि 7 जुलाई को एक और बैठक पहले से ही इन्होंने स्टेज कर रखी हुई थी। तो 7 जुलाई को बैठक होगी, 7 जुलाई में क्या मुद्दे होंगे, यही मुद्दे होंगे। 7 जुलाई को भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यही बोलेगा कि भाई हम नहीं करा सकते, हम नहीं कराएंगे, और 7 जुलाई को नहीं तो अगस्त को कभी ना कभी तो मानना ही पड़ेगा आईसीसी को कि सितंबर अक्टूबर में वर्ल्ड कप नहीं हो सकता। तो भाई हम तो बैठे हैं और हम तो तैयारी कर रहे हैं आईपीएल की, आप अपनी मीटिंग का गेम खेलते रहो। एट द एंड होना फैसला वही है जो बीसीसीआई चाहेगा, होना फैसला वही है जो कि
भाई इंडिया के लोग चाहेंगे, क्योंकि इंडिया क्रिकेट चलाता है। एक जमाने में जब ऑस्ट्रेलियन अंग्रेज क्रिकेट चलाते थे तो वो हम लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते थे, आज भारत क्रिकेट चलाता है पूरी दुनिया का, और इसको हम गर्व से बोल सकते हैं क्योंकि क्रिकेट जो है वो भी एक ग्लोबल स्पोर्ट है और उस पर भारत का राज है और भारत जो चाहेगा वही होगा। इंटरेस्टिंग वीडियो थी दोस्तों, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने सवाल आप पूछ सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिए और बेल आइकन को सब्सक्राइब कर जरूर दबाइए।